हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सो गए। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का आज बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 9 जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका एग्जाम हुआ है। देखिए, ऐसा पगला यूनिवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझे। यूनिट 5 पढ़ना है आपका, जो C9 होता है आपका, 80 नंबर का पेपर होता है, इसमें 5 यूनिट पढ़ना है। देख लीजिए, पगला यूनिवर्सिटी 4 को दिया है, ऐसा यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिला। देखिए, पेज भी दे दिया है, कै गो टोटल पेज इसमें 4 होगा, पेज गिनिएगा तो कै गो है। एक पेज ई होगा, दूसरा पेज ई हुआ, यहाँ पर लिखा भी होगा कहाँ पे, 2 पेज हुआ, ये आपका क्या होगा, तीसरा पेज हुआ, और चौथा पेज पता नहीं कहाँ गायब है, वो भगवान ही जाने। क्वेश्चन भी कैसा सेट करता है इसको इहो पता नहीं है, समझे। क्वेश्चन अब देख लीजिए, आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। देखिए, अब यूनिट 4 में कभो नहीं देखे होंगे कि मापन पढ़ना है, मतलब जैसे पता नहीं क्वेश्चन कैसे सेट करता है। हमको तो नहीं लगता है कि बीएड किया हुआ आदमी क्वेश्चन सेट करता है, मतलब जैसे मन तैसे, जन्ने मन उधर कर दिए, क्वेश्चन हो गया, समझे। ऐसा यूनिवर्सिटी हम नहीं देखे थे, समझे। अब देखिए, इसमें आप देखिएगा तो क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। आप यूनिट 1-2 पढ़ लीजिएगा, आपका उसी से हो जाएगा। यूनिट 3-4-5 से 5 तो यूनिट गायब ही कर दिया है। आप देखिए, चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, जो आपका पृष्ठ पोषण है, जो आपका, ये आपको तो हम बताए हुए थे, ये आप लोग पढ़े हुए थे। यहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका पेपर का नाम है, या ऑफ लर्निंग, मतलब इस अगर कोई ठीक नहीं रहता है, समझे। यानी कहने का मतलब है, पता नहीं यूनिवर्सिटी कैसे क्वेश्चन सेट करती है। थोड़ा पैटर्न भी देख लेना चाहिए, कितना यूनिट पढ़ना है, C9 में कितना क्या होता है, मतलब कोई पता नहीं है, समझे। अब देखिए, आपका यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि अधिगम सुधार में पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक क्या होता है, यानी रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एक्सप्लेन इट। यूनिट 1 में नहीं पढ़ना, यूनिट 5 में ही पढ़ना है। आप सिलेबस निकालिएगा आप, तो आपका यूनिट 5 में क्वेश्चन मिलेगा आपका, समझे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मापन के स्तर से, यानी मापन का जो स्तर होता है, समझे, स्तर से आप क्या समझते हैं इसके विभिन्न प्रकार के, नहीं मापन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, समझे। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 1 में है, एक निर्णयात्मक परीक्षण की रचना कीजिए। आपका 2021 में भी क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, समझे। चौथा क्वेश्चन है आकलन और मूल्यांकन में, तो ये आप लिख दिए होंगे, हल्का है आकलन मूल्यांकन में अंतर, ये आप लिख दिए होंगे, समझे। अगला क्वेश्चन है प्रमाणीकृत एवं अध्यापक निर्धारित परीक्षाओं में अंतर बताइए, वर्णन कीजिए, मतलब प्रमाणीकृत और अध्यापक निर्धारित परीक्षा क्या होता है और दोनों में क्या करना, अंतर बता के वर्णन करना है, समझे। तो ये भी आपको बताएंगे थे। अगला क्वेश्चन है आकलन के मुख्य, आकलन आप लोग पढ़े ही होंगे, आकलन के मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, समझे। यूनिट उसके बाद यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 में आपका देखिए, निम्नलिखित को संक्षेप में टेस्टिंग यानी परीक्षण आप लोग पढ़े ही हैं, समझे। उपलब्धि परीक्षण भी आप लोग पढ़े हुए हैं। अभिक्षमता आप लोग, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अभिक्षमता एक ऐसे पूछा हुआ था, ये भी आप लोग लिख ही दिए होंगे, समझे। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है कि मापन, तो मापन भी आप लोग पढ़े थे, मापन के उद्देश्य को बताना, नहीं एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार घुमा के पूछा हुआ है, समझे। तो ये चीज़ है यूनिट 1-2 जो लोग ठीक से पढ़े होंगे उनका, लेकिन इनमें यूनिट 5 भी देना चाहिए। बताइए, 4 पेज यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल पेज 4 है, यहाँ 3 पेज है, अरे ये क्या हुआ, मतलब ये मतलब क्या है, 3 पेज उसका चौथा पेज, मतलब पता ही नहीं चलता इस यूनिवर्सिटी का कुछ, मतलब कोई अता पता नहीं है क्वेश्चन सेट करता है। एक भी आपका सिलेबस से इधर उधर से इन्ने के क्वेश्चन उन्ने के क्वेश्चन इन्ने, मतलब क्या है, मतलब एक सिलेबस से आप क्वेश्चन पूछिए ना, समझे। तो कुछ नहीं पूछा हुआ है आप लोग, लेकिन एग्जाम आप लोग क्वेश्चन लिख दिए होंगे। अब इसमें आपको 4 यूनिट में 5 क्वेश्चन लिखना हो, अब बहुत बताया गया होगा क्या क्वेश्चन लिखना है, ऐसे यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथा समय अपने शब्दों में उत्तर दे, सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दिए। अब 4 को तो आपका इकाई है, यूनिट हो गया, और एक आपका 5 को बता दे, वो किसी में से दीजिए। कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ऐसा वहाँ बताया गया होगा क्या मतलब चीज़ है, समझे। तो सोचे हैं कि आपको ये चीज़ बता देते हैं, समझे, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत बात है। आप 5 यूनिट दीजिए, 1 यूनिट गायब कर दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन का कुछ पैटर्न है नहीं, समझे। थैंक यू। अब देखिए, आपका एक और चीज़, चलिए वो बात नहीं बता दे।